वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का वीडियो में, आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग दानापुर डिवीजन का टेक्नीशियन 3 डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग का 5 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है। ये 3 सेट में हुआ था, सेट ए, सेट बी, सेट सी में। जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो रहा आप लोग सब लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करने का कोशिश करते हैं। जो भी फ्रेंड्स अभी आप लोग का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग एलडीसी आप लोग तैयार कर रहे हैं, आईएक्यू, डीपीक्यू, ये सब तैयार कर रहे हैं, आप लोग के पूरा बेहतरीन क्वेश्चन है। जो भी फ्रेंड्स अभी आप लोग का पकड़ लीजिए असिस्टेंट है, हेल्पर है, वो लोग अगर एलडीसी दे के टेक 3 में जाने का कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ये नहीं कि आप लोग का हेल्पर टेक असिस्टेंट को काम देगा, ये सबको काम देगा। जो जेई और एडीएमई का भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या सब दिया है देखते हैं और सॉल्व करने का समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सरल भाषा में आप लोग को समझाने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलएचबी। यहीं पर पूछ रहा है एलएचबी का पूर्ण रूप क्या है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं लिंक होपमैन बुश होता है, तो ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ द साइड सीबीसी अबव रेल फॉर एम्प्टी व्हीकल। देखिए एम्प्टी व्हीकल में आप लोग का मैक्सिमम आप लोग का सीबीसी हाइट पूछ रहे हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं 1105 mm होता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द मिनिमम हाइट। ये मिनिमम हाइट पूछा है आप लोग का, सी बी सी हाइट पूछा है, तो ये मिनिमम हाइट आप लोग का कितना होता है आप लोग का, ये पूछ रहे हैं लोडेड व्हीकल के लिए। लोडेड कंडीशन में ये हो जाएगा आप लोग का 1030 mm हो जाएगा। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ एलएचबी कोच। जैसे कि पहले ही बोले हैं एलएचबी कोच हो या आईसीएफ कोच हो, नया कंडीशन में, नया में आप लोग का 915 mm रहेगा व्हील का डायमीटर। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लेंज इन एलएचबी कोचेस। ये देखिए यहीं पर आप लोग का जो एलएचबी कोचेस में ये दिया है आप लोग का थिकनेस पूछा है व्हील फ्लेंज का, इसको कमेंट्स में जवाब दीजिए। हमको लग रहा है इसमें आप लोग का ऑप्शन मैचिंग नहीं हो पा रहे, जैसे कि अभी हाई स्पीड कोच के लिए आप लोग का जो एलएचबी अभी कोच इंट्रोड्यूस किया है, हाई स्पीड कोच है, तो इसके लिए आप लोग का जो फ्लेंज का थिकनेस होता है 29.4 mm होता है, इसको याद रखिए। ये अभी चेंज हुआ है, तो इसी हिसाब से कोई भी ऑप्शन में देखिए मैच नहीं हो रहा है, तो इसका भी आप लोग कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क का थिकनेस पूछ रहा है, 110 mm होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट ऑफ टिमकेन सिटी व्यू। ये देखिए टिमकेन सिटी व्यू जो है कैटरी स्टेपर बियरिंग यूनिट जो होता है आप लोग का, तो इसमें आप लोग को पूछ रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर पूछ रहा है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर इसका 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 80 डिग्री सेल्सियस होता है। हाउ मैनी शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज इन एलएचबी कोचेस। देखिए एलएचबी कोच में आप लोग का 18 के संख्या में आप लोग का डैम्पर्स यूज होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी। ये देखिए आप लोग का जो डैम्पर कनेक्ट रहता है किसका बीच में, बोगी और कार बॉडी के बीच में, ये हो जाएगा आप लोग का यह डैम्पर। व्हाट इज द लेंथ अवर सी बी सी ऑफ एल एच बी कोचेस। ये देखिए लेंथ अवर आप लोग का सी बी सी पूछा है, मतलब सी बी सी टू सी बी सी लेंथ, ये हो जाएगा आप लोग का 24,000 mm हो जाएगा। ट्रिप शेड्यूल दैट इज डी वन ऑफ एल एच बी कोच। आप लोग का जो डी वन डिपो शेड्यूल वन होता है, ट्रिप शेड्यूल होता है, जो कि आप लोग का हर ट्रिप में होता है, एवरी ट्रिप में आपको मेंटेनेंस में डी वन करना पड़ेगा। डी थ्री मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ एल एच बी कोच इज डन। देखिए डी थ्री मेंटेनेंस शेड्यूल पूछा, डिपो 3 नंबर, ये हो जाएगा 180 दिन प्लस माइनस 15 दिन होगा, ऑप्शन सी के साथ चलिए।
SS3 पूछा है। देखिए SS3 LHB कोच का ये आप लोग का 6 ईयर्स और 24 लाख किलोमीटर व्हिच एवर इज अर्लियर, तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। आयोच ऑफ LHB कोच, देखिए आयोच ऑफ LHB कोच 18 महीने में होता है, जिसको कि हम लोग SS1 भी बोलते हैं, जिसको हम लोग आयोच ऑफ LHB कोच बोलते हैं। कोडाल लाइफ ऑफ LHB कोच, ये देखिए LHB कोच का कोडाल लाइफ अभी 35 साल हो गया है। ब्रेक पावर ऑफ एयर ब्रेक फॉर राजधानी कोचेस फ्रॉम आउट स्टेशन, देखिए आउट स्टेशन या एन रूट एक ही बात है, तो इसमें आप लोग का 90% का ब्रेक पावर रहना चाहिए। व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ LHB बोगी, LHB बोगी का व्हील बेस ये देखिए 2560 mm, 2560 mm। ईयर डैम्पर इज फिटेड, ये देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन, ईयर डैम्पर कहाँ कहाँ फिट होता है, ये बिटवीन किस किस का बीच में, बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बॉगी फ्रेम, ये हो जाएगा डी हो जाएगा। फायर एक्सटेंसर यूज इन SC LHB कोच कौन सा टाइप का होता है, DCP टाइप का, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप। फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी रिफिल्ड, कब रिफिल करना है फायर एक्सटिंग्विशर, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद रिफिल करना है। ब्रेक एक्सीलेटर इज ए, ये देखिए ब्रेक एक्सीलेटर क्या है, ये इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है, बी के साथ चलिए। हाउ मैनी प्रेशर टैंक्स प्रोवाइड इन जनरेटर कार, जनरेटर कार में आप लोग का कितने के संख्या में प्रेशर टैंक प्रोवाइड किया जाता है, 4 के संख्या में, जैसे कि आप लोग जानते हैं ये आप लोग का ब्रेकिंग के लिए 1 हो जाएगा, आप लोग का टॉयलेट के लिए 1 प्रेशर टैंक हो जाएगा, उसके बाद आप लोग का ब्रेकिंग के लिए हो गया, उसके बाद एयर स्प्रिंग के लिए 1 हो जाएगा, और हैंड ब्रेक के लिए आप लोग का 1 हो जाएगा। इस हिसाब से 4 आप लोग का प्रेशर टैंक जनरेटर कार में प्रोवाइड किया जाता है। व्हाट इज द पर्पोज ऑफ एंटी स्किड सिस्टम, एंटी स्किड सिस्टम का काम क्या है, टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग, चक्का को स्किडिंग से बचाने का काम होता है एंटी स्किड सिस्टम का। व्हाट इज द पर्पोज ऑफ डंप वाल्व, डंप वाल्व का काम क्या रहता है, टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सेल का स्पीड को समान रखेगा, और क्या करेगा एंटी अगेंस्ट स्किडिंग से बचाने के लिए, व्हील सबको आप लोग का स्किडिंग से बचाने के लिए काम करता है, तो आप लोग का ऑप्शन A और B बोथ हो जाएगा, सी के साथ चलिए। द एप्लीकेशन ऑफ डंप वाल्व का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, ये देखिए आप लोग का ब्रेकिंग में भी यूज होगा, डी ब्रेकिंग में होगा, तो बोथ ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग हो जाएगा, सी के साथ चलिए। व्हाट इज द पर्पोज ऑफ स्पीड सेंसर, आप लोग का स्पीड सेंसर लगाया जाता है क्या चीज़ के लिए, टू कंप्यूट द रिवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सेल, ये देखिए हर एक एक्सेल का अब जो रिवोल्यूशन होता है उसको काउंट करेगा, कितना इसका RPM है उसको काउंट करेगा, कितना रिवोल्यूशन है उसको काउंट करेगा। द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील, ये देखिए सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में जो एयर गैप होता है कितना होता है, 0.9 से 1.4 mm होता है। हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर आर यूज इन LHB कोचेस, LHB कोच में आप लोग का ब्रेक सिलेंडर 8 की संख्या में रहता है। PSD प्रोवाइडेड LHB कोच कैन बी रीसेट, ये देखिए जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होता है जो कि LHB कोच में रहता है, तो LHB कोच में इसको कैसे रीसेट करेंगे, इसको करेंगे हम लोग कहाँ से इसको रीसेट करेंगे, इसको रीसेट करेंगे फ्रॉम द पॉइंट वेयर चेन पुल्ड, जहाँ से आप लोग का चेन पुलिंग किया गया है वहीं पर आप लोग इसको रीसेट करेंगे, इसके लिए एक तो स्पेशल की रहता है, स्क्वायर टाइप का होल की रहेगा,
उसमें आप लोग रीसेट कीजिए, स्पेशल की या स्पैनर लगता है इसके माध्यम से ही इसको रीसेट किया जाता है। जहाँ से चेन पुलिंग किया गया मतलब कोच का इनसाइड में रहता है, जहाँ से आप लोग का चेन पुल किया गया वहीं से ही इसको रीसेट करना पड़ेगा। तो आप लोग का ये देखिए 29 का हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, लोकेशन ऑफ आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड इन PHD इन LHB कोचेस। ये देखिए आप लोग का जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होता है तो इसको आइसोलेट करने के लिए पकड़ लीजिए कि कोई चेन पुल कर दिया है आप लोग का कोच का ऊपर से और भीड़ के चलते हम लोग उसको रिसेट कर नहीं पाते हैं, तो इसको आइसोलेट करना पड़ेगा। कहाँ आइसोलेट करेंगे, उसके लिए जो आइसोलेशन कॉक जो आइसोलेटिंग कॉक दिया जाता है वो अंडर गियर में दिया जाता है। तो आप लोग इसका भी कमेंट्स में आंसर दे सकते हैं। तो ये देखिए आप लोग का आइसोलेशन के लिए आइसोलेटिंग के लिए आप लोग का इसको दिया जाता है ऑन अंडर गियर दिया जाता है। इसको आप लोग ई के साथ चलिए, सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए लोकेशन ऑफ आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड PHD इन LHB कोचेस। इसको आप लोग अगर रीसेट नहीं कर पाते हैं ऊपर से तो उसको अंडर गियर से करना पड़ेगा। ये देखिए आप लोग का ये हो गया ऑन अंडर गियर हो जाएगा। इसको भी कमेंट्स करके बताइए। मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड, ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क के बीच में मैक्सिमम गैप आप लोग का 1.5 mm रहता है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ब्रेक पैड इन LHB कोच, ब्रेक पैड का देखिए मैक्सिमम लेंथ 400 mm होता है। हैंड ब्रेक्स प्रोवाइडेड ऑन नंबर ऑफ व्हील्स इन LHB कोचेस। जब भी हम लोग हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक बोला जाता है इसको अप्लाई करेंगे तो आप लोग कितना व्हील पर ये हैंड ब्रेक लगेगा, एनी टू होगा, कोई भी दो चक्के में आप लोग का हैंड ब्रेक लगेगा जब भी पार्किंग ब्रेक आप लोग यूज करेंगे। बाईपास सिस्टम यूज इन ब्रेक सिस्टम, देखिए जब भी आप लोग का BP मेटल पाइप BP पाइप ब्रोकन हो जाता है टूट जाता है तब हम लोग बाईपास करते हैं। ये देखिए बी के साथ चलिए, हालांकि LHB कोच में अभी 26 मीटर का केबल यूज होता है जो कि एक कोच को पूरे ही बाईपास कर दिया जाता है। ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रेक द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन BP, देखिए ड्रॉप टेस्ट करेंगे तो ड्रॉप टेस्ट में आप लोग हल्का सा आप लोग का BP से प्रेशर ड्रॉप करना पड़ेगा, तो कितना ड्रॉप करना पड़ेगा ये कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हैं। तो ये आप लोग का 35 का क्वेश्चन आप लोग के लिए है, कितना आप लोग का ड्रॉप टेस्ट में हम लोग ड्रॉप करेंगे। ड्यूरिंग एयर ब्रेक टेस्टिंग आफ्टर कनेक्टिंग BP हॉस पाइप व्हाट शुड बी चेक्ड, ये देखिए आप लोग का पूछ रहा है कि एयर ब्रेक टेस्टिंग में आफ्टर कनेक्टिंग BP हॉस पाइप को कनेक्ट करने के बाद क्या चेक करना पड़ेगा, तो इसको भी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये आप लोग का देखिए ओनली BP गैस सोज प्रेशर, ये देखिए ओनली FP गैस सोज प्रेशर, बोथ BP FP गैस सोज प्रेशर, ये देखिए एनी ऑफ द एबव, ये आप लोग का 36 का ये हो जाएगा, एनी ऑफ द एबव हो जाएगा। ड्यूरिंग एयर ब्रेक टेस्टिंग आफ्टर कनेक्टिंग BP, एयर ब्रेक टेस्टिंग में जब हम लोग BP को कनेक्ट कर देंगे BP हॉस को तो क्या देखना पड़ेगा आप लोग का, देखिए BP गेज का प्रेशर देखेंगे, जैसे भी आप लोग का FP गेज का भी प्रेशर देखेंगे, बोथ BP एंड FP गेज सोच प्रेशर दोनों आप लोग का प्रेशर दिखाना चाहिए। तो ये आप लोग का ये भी कमेंट्स करके बताइए फ्रेंड्स, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन तो इसको भी आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए। और एक बार देख रहे हैं, ड्यूरिंग एयर ब्रेक टेस्टिंग आफ्टर कनेक्टिंग BP हॉस पाइप व्हाट शुड बी चेक्ड, तो BP हम लोग कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट करने प्रेशर खोल दें, प्रेशर खोलने के बाद ये देखिए BP गेज में प्रेशर तो शो करना चाहिए जैसे भी, तो आप लोग का ओनली FP गेज सोच प्रेशर, तो BP खाली खोले हैं तो FP में आप लोग का प्रेशर नहीं दिखाना चाहिए, बोथ BP एंड FP गैस सोच प्रेशर बोथ तो होगा नहीं, तो यहीं पर आप लोग का अगर
आप लोग का पूछ रहा है कि यार ब्रेक टेस्टिंग के समय अगर आप लोग का आफ्टर कनेक्टिंग बीपी हॉस पाइप व्हाट शुड बी चेक्ड, क्या चेक करना चाहिए हम लोग को कि देखिए बीपी गेज में प्रेशर शो हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है, ओनली एपी गेज में प्रेशर आ जा रहा है कि नहीं वो भी शो करना पड़ेगा, वो भी देखना पड़ेगा, और आप लोग बोथ बीपी एपी गेज शोज प्रेशर ये भी देखना पड़ेगा। तो टोटल सब कुछ देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, टोटल देखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक शुड अप्लाई, सर्विस जब भी हम लोग सर्विस एप्लीकेशन करेंगे प्रेशर ड्रॉप करेंगे तो ब्रेक आप लोग का 3 से 5 सेकंड में लग जाना चाहिए। सीबीसी फिटेड ऑन एलएचबी कोचेस हैज डैश फ्यूचर, ये देखिए सीबीसी जो फिट होता है एलएचबी कोच में ये होता है एंटी क्लाइंबिंग, एंटी क्लाइंब एक के ऊपर एक नहीं चढ़ना चाहिए, एंटी क्लाइंबिंग फ्यूचर दिया जाता है। ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द कोचेस शुड बी ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, स्ट्रेट ट्रैक में होना चाहिए तब जाके आप लोग का कपलिंग बढ़िया से होगा। इफ द जॉ गैप गैच पास थ्रो द गैप, यहाँ पर पूछ रहा है जॉ गैप जो अगर गैप गैप में आप लोग का पास कर जा रहा है इसका मतलब क्या होगा कि आप लोग का नकल नीड्स टू रिप्लेस, नकल को बदलना चाहिए या लॉक असेंबली इच नीडेड टू रिप्लेस, ये दोनों आइदर ए और बी दोनों चेंज करना पड़ेगा आप लोग का कंडीशन देख के, तो आप लोग का 40 का आंसर हो जाएगा आइदर ए और बी, ये देखिए ए सी हो जाएगा आंसर। गेजिंग ऑफ सीबीसी इज डन, गेजिंग कब करेंगे जब नकल क्लोज पोजीशन में रहेगा ए के साथ चले। द मिनिमम व्हील गेज ऑफ गुड्स वैगन, ये देखिए गुड्स वैगन में मिनिमम पूछा है, मिनिमम आप लोग का 1500-1900 mm होगा, स्टैंडर्ड 1600 mm होगा और आप लोग का मैक्सिमम 1602 mm होगा। द मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ गुड्स वैगन, ये देखिए गुड्स वैगन में फिर आप लोग का पूछ लिया मैक्सिमम पूछ लिया 1602 mm। द कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक ऑफ गुड्स वैगन इन यार्ड फॉर एयर ब्रेक टेन शुड बी चेंज व्हेन थिकनेस इज, ये देखिए 10 mm हो जाएगा तो आप लोग को रिप्लेस कर देना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं एल टाइप में आप लोग का कितने 10 mm में चेंज होगा और आप लोग का के टाइप में 12 mm में आप लोग का चेंज कर देना है। द स्टैंडर्ड गैप बिटवीन व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक, ये देखिए आप लोग का पूछ रहे हैं द स्टैंडर्ड गैप बिटवीन व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक इन बॉक्स वैगन, ये बॉक्स वैगन में पूछ रहे हैं ये कितना होना चाहिए, तो इसको भी आप लोग फ्रेंड्स कमेंट्स में बताइए। ये भी क्वेश्चन थोड़ा ये लग रहा है तो इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोग कमेंट्स में बताइए। अब द व्हिच ब्रेक वैन क्विक कपलिंग इज द पार्ट, ये देखिए क्विक कपलिंग किसका पार्ट होता है, बीबी जर्सी जो फोर व्हीलर लगता है इसमें क्विक कपलर रहता है, जैसे गार्ड साहब अपना गैज को खोल के ले सकते हैं तो बीबी जर्सी में क्विक कपलिंग का आप लोग का ये पार्ट होता है, इसमें क्विक कपलर यूज किया जाता है बीबी जर्सी जो कि फोर व्हीलर ब्रेक वैन है। व्हाट इज द लेंथ अवर हेडस्टॉक ऑफ बक्सेन वैगन, बक्सेन वैगन में ये देखिए पूछा है लेंथ अवर हेडस्टॉक मतलब हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक कितना इसका लेंथ होना चाहिए, ये हो जाएगा आप लोग का 9784 mm 9784 mm हो जाएगा 47 का। तो आप लोग लेंथ अवर अगर कपलर पूछ रहा है ये आप लोग का लेंथ अवर हेडस्टॉक पूछा है, लेंथ अवर अगर कपलर पूछेगा मतलब सीबीसी टू सीबीसी पूछेगा तो आप लोग का हो जाएगा 10713 mm हो जाएगा, इसको भी याद रखिए ये लेंथ ऑवर कपलर है या लेंथ ऑवर सीबीसी है, सीबीसी टू सीबीसी है 10713 mm। टायर वेट ऑफ बीआरएन वैगन इज, टायर वेट पूछा है खाली डिब्बा का वजन पूछा है बीआरएन का तो आप लोग का ये हो जाएगा 24.4 टन हो जाएगा बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द लेंथ अवर कपलर ऑफ बी सी एन वैगन, देखिए लेंथ अवर कपलर पूछा है मतलब सी बी सी टू सी बी सी का लेंथ पूछा है तो
तो आप लोग का 49 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 15429 mm हो जाएगा। ये देखिए ऐसी के साथ चलिए, अगर यही आप लोग का BCN वागन में लेंथ ओवर हेडस्टक अगर पूछ लिया, मतलब हेडस्टक टू हेडस्टक पूछा, तो यहीं पर हो जाएगा आप लोग का 14500 mm हो जाएगा, 14500 mm होगा। ग्रॉस लोड ऑफ BRN वागन का आप लोग का ग्रॉस लोड पूछा है, तो TR प्लस CC आप लोग का होता है, TR और कैरिंग कैपेसिटी मिला दीजिए, ग्रॉस लोड हो जाएगा। तो BRN वागन के लिए कितना होगा, तो BRN वागन के लिए ये आप लोग का हो जाएगा 81.28 टन हो जाएगा। ये देखिए बी के साथ चलिए, ओवरऑल हाइट ऑफ BOBR वागन फ्रॉम रेल लेवल इच, ये देखिए ओवरऑल हाइट पूछा है BOBR वागन के लिए, तो इसका आप लोग का कितना होगा, ये हो जाएगा आप लोग का ये आप लोग का कमेंट्स करके ये बता सकते हैं कितना होगा, ये ओवरऑल हाइट ऑफ BOBR वागन फ्रॉम रेल लेवल, ये देखिए 3735 mm होगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ साइड ऑपरेटेड हैंड ब्रेक व्हील ऑफ बक्सन वागन में जो हैंड ब्रेक को आप लोग ऑपरेट करेंगे उसके लिए जो व्हील रहता है, व्हील का आप लोग का डाया पूछ रहा है, तो व्हील का आप लोग का डाया कितना होगा ये भी कमेंट्स में बताइए। ये हो जाएगा आप लोग का 610 mm हो जाएगा। व्हील बेस ऑफ ब्रेक वैन मैश ट्रक BVM, ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का ब्रेक वैन मैश ट्रक का आप लोग का व्हील बेस कितना होगा पूछ रहे हैं, तो ये 53 का ये हो जाएगा आप लोग का 3500 mm हो जाएगा, ये आप लोग का व्हील बेस होगा ब्रेक वैन मैश ट्रक BVM का। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूली बिल्ट बक्सन वागन फास्ट पियोज प्रायोरिटी, फास्ट पियोज देखिए बक्सन वागन के लिए आप लोग का 6 साल होता है, उसके बाद जो आप लोग का पियोज होगा सब्सिक्वेंट पियोज होगा उसके बाद जो पियोज होगा 4.5 साल में होता है, याद रखिए। न्यूली बिल्ट VLC कंटेनर वागन फास्ट पियोज, ये देखिए इसका भी फास्ट पियोज आप लोग का 6 साल में होगा, और इसका भी आप लोग का जो सब्सिक्वेंट उसके बाद जो पियोज सब होगा वो 4.5 साल में होगा, इसको भी याद रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, ज़रूर इसको लाइक्स तो बनता है सबसे। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी फ्रेंड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जैसे कि हर बार बोलते हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को आप लोग तेज कर दीजिए, बेहतरीन कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।